हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन फ्रॉम onlifeserver.com और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसमें आप जानेंगे कि विंडोज वेब होस्टिंग कैसे बाय करें और क्या क्या फीचर्स जो ऑनलाइन सर्वर कंपनी है जो भी स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग का प्लान है हमारे लिनक्स विंडोज़ के तो उस पर क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे वो सारा आपको बताऊंगा। और साथ ही बताना चाहूंगा, अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि होस्टिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे और जो भी मार्केट में बहुत सी इन्फॉर्मेशन न्यूज आती है तो उसमें आपको क्लियर हो सके क्या करंट चल रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। देखिए, हमारे ऑनलाइन सर्वर के पास तीन प्लान हैं होस्टिंग में, जिसमें विंडोज वेब होस्टिंग में और साथ ही साथ तीन होस्ट प्लान हैं लिनक्स वेब होस्टिंग में। विंडोज लिनक्स वेब होस्टिंग में काफ़ी वीडियो बना चुका हूं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब स्टार्ट किया है हमने विंडोज़ के बारे में बताने के लिए। विंडोज वेब होस्टिंग में हमारे पास तीन प्लान हैं, जिसमें है स्टैंडर्ड विंडोज वेब होस्टिंग, बिजनेस विंडोज वेब होस्टिंग और साथ ही रीसेलर विंडोज वेब होस्टिंग। अब इसमें अंतर क्या है, ऐसा क्यों किया कि तीन प्लान क्यों बनाए हैं? प्लान इसलिए बनाए, स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग के लिए सिंगल डोमेन होस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको होस्टिंग अकाउंट मिलेगा तो उसमें वन डोमेन होस्ट कर सकते हैं। और बिजनेस वेब होस्टिंग में उसमें 30 डोमेन, क्योंकि बिजनेस की कोई वेबसाइट है तो 30 लोकेशन के हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें वेबसाइट बन जाती हैं, किसी माइक्रो साइट छोटी मोटी साइटें 30 हो जाती हैं। अब रीसेलर होस्टिंग, अगर रीसेलर में चाहते हैं तो उसमें मास्टर रीसेलर आपको मिल जाएगा, जिसमें आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं एक अकाउंट में। और साथ ही साथ इंडिविजुअल आप कंट्रोल पैनल भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर अपने आप मैनेज कर सके। हम बात करते हैं स्टैंडर्ड विंडोज वेब होस्टिंग, इसमें क्या होगा, इसमें जो कंट्रोल पैनल दिया जाएगा वो फ्लैक्स पैनल होगा। फ्लैक्स पैनल में है फीचर्स ये होते हैं, फ्लैक्स पैनल बेटर है सी पैनल से, WHM से। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दो डेवलपर हैं या दो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि आप .NET पे काम कर रहे हैं और PHP पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दोनों वेबसाइट एक ही सर्वर पर होस्ट हो जाएं, उसके लिए फ्लैक्स पैनल बेस्ट है। क्योंकि फ्लैक्स पैनल, यदि फ्लैक्स पैनल विंडोज सर्वर पे इंस्टॉल किया गया तो उसमें आप लिनक्स और विंडोज दोनों तरह की, मानी PHP और .NET की दोनों तरह की वेबसाइट आप इंस्टॉल अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, इसमें जो आपको होस्टिंग अकाउंट दिया जाएगा उसमें आपको लगभग 2 GB स्पेस मिलेगा, थोड़ा कॉस्टली रहता है और लिनक्स की अपेक्षा काफ़ी कॉस्टली रहता है, क्योंकि विंडोज लाइसेंस की कॉस्टिंग लगती है, SQL की कॉस्टिंग लगती है, MS SQL की, और काफ़ी चीज़ें होती हैं तो इसमें काफ़ी कुछ लगता है। इसमें 5 अकाउंट मेलबॉक्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है। जो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, विंडोज़ में काफ़ी कंफर्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत दिक्कत होती है कि सर्वर चल रहा है तो कोई भी नहीं चाहता यूजर कि हम दूसरे को मूव करें, तो उसमें काफ़ी फ्रेम वर्क काम करते हैं, तो फ्रेम वर्क के चक्कर में, IP पूल के चक्कर में, पूल बनाने के चक्कर में, तो क्या होता है कि वेबसाइट उसकी फ्रेम वर्क पर चल नहीं पाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑनलाइन सर्वर कंपनी है वो आपको फुल्ली मैनेज्ड विंडोज वेब होस्टिंग प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपके किसी भी सर्वर पर डाटा रखा हुआ है वो आपने इस सर्वर पर आपको माइग्रेट करेगी, पूरी टीम हमारी पूरा डाटा माइग्रेट करेगी और इसको बिल्कुल स्मूथ चला के वेबसाइट दे देगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल पुरानी डिटेल दीजिए आप और होस्टिंग बाय कीजिए, आपके जो हमारी टीम है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी और आपका डाटा पूरा माइग्रेट कर देगी और साइट भी चल जाएगी। साथ ही बताना चाहूँगा, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट के, जो मैंने बहुत अच्छे पहले भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है आपको, जैसे कि UPI है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बिटकॉइन भी है, और साथ ही साथ इसमें हमारे पास पेपाल भी है और भी काफ़ी है, बैम मनी भी है, बहुत से रशियन गेटवे हैं, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके पेमेंट मॉडल पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, इस किसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप विंडोज वेब होस्टिंग सर्च कर रहे हैं, विंडोज वेब होस्टिंग सर्च करते हैं चीपेस्ट होस्टिंग में, और तो ऑनलाइन सर्विस बाय की, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारा प्लान आपको दिख जाएगा, क्या क्या प्लान अवेलेबल है, और सारी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी वेबसाइट पर कोने पे देखेंगे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपके साथ या क्या क्या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर कोई बाय चांस अगर आप ऑनलाइन है तो आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, हमने जो दूसरे कोने पे देखेंगे आपको व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है, तो वहां से आप क्लिक करके वहां से आप हमसे चैट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर होस्टिंग बाय करनी है। काफ़ी बार आता है, मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ होती हैं, वो आपको बताती हैं कि इतने रुपए का ये सर्वर होस्टिंग मिल रही है, बट क्या करते हैं वो 36 महीने 36 मंथ के लिए बुकिंग कराते हैं,
उसमें कॉस्टिंग कम कर देते हैं, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको एक साथ बिलिंग करते हैं। लेकिन ऑन लाइव सर्वर ने जो प्रोवाइड किया है आपको लाइनेक्स विंडोज वेब होस्टिंग, विंडोज स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग में उसमें प्लान है $3, ओनली $3, लगभग 200 रुपये की अप्रोक्स पड़ता है पर मंथ। और उसमें आप मंथली बिलिंग कर सकते हैं, यानी आपको होस्टिंग बाय करनी है तो मंथली पेमेंट कीजिए और बाय कीजिए। जैसे आपकी क्या होता है, आप टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे साथ। कभी होता है कि बाई चांस आपको हमारे साथ अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। पहली बात अच्छा लगेगा कि हमारी टीम सपोर्ट टीम है बहुत अच्छी है, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सारा कुछ अच्छा आपको डेवलप करके दिया जाएगा। तो बताना चाहूँगा अगर आपको होस्टिंग बाय करनी तो ऑनलाइन सर्वर से कीजिए, क्योंकि हम लोग 24/7 टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और व्हाट्सअप के थ्रू, स्काइप के थ्रू, ईमेल, फ़ोन, लाइव चैट, काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पर डायरेक्ट मिलना है इंडिया में तो आप मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिए और लाइक, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक प्लीज़ कीजिए।